हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आपका ऑल टाइम स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप नोटबुक लेके जो है वो रेडी हो जाइए। अब हम करने वाले हैं अपने 2015 के ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चों को करके सीखने का अवसर दे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। बच्चों को खोज करने के लिए प्राप्त स्थान मिले, तो ये तीनों जो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो समर्थन नहीं करती, कम गलतियां करे। देखो, जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उस बच्चे का अधिगम यानी कि उसके सीखने की पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। गलती करके ही बच्चा हर कोई सीखता है, कोई भी जो है वो माँ के गर्भ से नहीं सीख के आता। तो ऑब्वियसली बात, अगर वो कुछ करेगा तो गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ जो है वो सीखने का जो एक तरह से हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा फोर्थ के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो फर्स्ट है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, या अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की जो गतिविधियाँ वो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक, देखो सबसे ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसको सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अधिक और प्रोत्साहन, देखो यहाँ पे बात दोनों की है, तो इसमें अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं देना चाहिए, फिर हमने जो वो यहाँ पे चर्चा करनी है। बच्चों को पारस्परिक क्रिया अवलोकन और सहयोग, ये ठीक है। बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, ये बिल्कुल ठीक है। और बच्चों के द्वारा कार्य का जो है वो विस्तार। तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में स्वभाव हो उतना, और उसके नाम याद करने में बच्चों की जो वो पहल, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो। ये जो ऑप्शन है फ्रेंड वो आपका गलत है। तो यहाँ पे 62 का जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर से आपको जो वो क्या नहीं की बात आई है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ जो तुलना करना, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, या बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या बच्चों के कार्य से संबंधित जो हो गुणात्मक उल्लेख करना। तो क्या जो है वो यहाँ पे पर्यावरण के समय शिक्षिका को नहीं करना चाहिए, तो जो आंसर आपका फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड, बच्चों के कार्य के केवल केवल बात आ गई। देखो मैंने केवल आते ही आपको उसको जो क्रॉस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्या हो सकता है। यह एक बहुत सस्ता साधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करना। देखो रियल लाइफ सिचुएशन आ गई ना आपके सामने, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। इसमें जो वो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास जो बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त को जो है वो 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेसवे ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा, वो आपका बैठा है 30 तारीख को। फिर वो जो है यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी, और 1 सितंबर 2015 को यानी कि 1 सितंबर, तो बीच में आपका 30-31 आया है। फिर त्रिवेंद्र की जो दूरी है वो कितनी थी, 268, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसके 24 घंटे लगे। फिर यहाँ से फिर 12 लगे, और फिर जो है हम यहाँ से देखेंगे कि 7:30 और 13:30 के बीच का जो है वो गैप था वो 6 घंटे का था। तो फ्रेंड्स हम देखें कि ये जो टोटल आवर हो गए जो आपके वो हो गए 12 और 6 18, तो 22 जो है वो आवर्स उसको लगे। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दोनों स्टेशनों के बीच की जो औसत चाल थी क्या थी। देखो यहाँ पे एवरेज चाल क्या होगी आपकी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी उसकी, उसकी दूरी थी
यहाँ पे 2268 यानी कि 2268, और उसको घंटे कितने लगे थे, 3 दिन तक, यानी कि 30 से चला तो एक वो पहुँचा था 1 तारीख को, तो उसके 42 आवर लगे थे। तो ये जो आपका यहाँ पे फ्रेंड कट हो रहा है वो कितने पर कट हो रहा है, ये हो रहा है आपका 54 पर। तो आप अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाए कि ऑप्शन में तो है 54, लेकिन फिर ये आंसर तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अब ये हमारा किलोमीटर में आया है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। देखिए जब भी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपको जो है वो 5/18 से जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 * 3 = 54 और 5 * 3 = 15, तो 15 मीटर सेकेंड जो होगा उसको जो थे उसकी औसत चाल थी। तो राइट आंसर हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुरप्रीत है वो पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, यानी कि नई दिल्ली आपका जो भी नॉर्थ ईस्ट वाला जो भी हिस्सा है नई दिल्ली में, तो वहां से वो जो वो चेन्नई गया यानी कि नीचे दक्षिण दिशा में गया, तो अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, तो आंसर होगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी जो कि आपकी यहाँ पे उत्तर पूर्व इलाके से, उत्तराखंड से होती हुई और यूपी से होती हुई जो आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। तो इसमें पूछा गया कि किस नदी को पार नहीं करना, तो गंगा हो गया, गोदावरी है, गोदावरी जो है वो आपकी यहाँ पे महाराष्ट्र, और जो आपकी यहाँ पे नर्मदा नदी है फ्रेंड वो एमपी में, और कृष्णा नदी है वो आपकी एपी में यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो गंगा नदी है उसको जो वो नहीं पार करेगा, जबकि जो दक्षिण दिशा में जाना तो उसके लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, कृष्णा और नर्मदा नदी है जो वो उनको वो पार करेगा। तो राइट आंसर आपका गंगा है। फिर हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो ये आपका लद्दाख का, तो ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड राइट है। नेक्स्ट है, कक्षा 4th 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ जो उसी से ठंडा उसी से गर्म जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है कहानी थी, जो कि आपकी किस पर बेस्ड थी, ईवीएस पर, सॉरी ईवीएस पर बेस्ड नहीं थी, ये आपकी ईवीएस के कंटेंट में जो है वो पढ़ाई जाती है, इसलिए जो है वो जाकिर हुसैन ने यह कहानी लिखी थी। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानियां लिखी है जो अपनी मृत्यु के समय में वे थे, और ये जो है वो भारत के फ्रंट तीसरे जो है वो यहाँ पे क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति थे, और इनका जो कार्यकाल था वो था 67 से 69 तक का, और ये तीसरे थे, तो इसलिए आपको, और 3 ही जो है वो 3 ही साल तक रहे, और जो है वो तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने जो है वो बच्चों के लिए अनेक कहानियां जो है लिखी है इन्वायरमेंट स्टडीज के ऊपर भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे भारत के राष्ट्रपति। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देखिए आलू चिप्स, इनको हम जो प्रिजर्वेशन करके रख सकते हैं, सेब और जैम इनको भी काफी लंबे समय तक रख सकते हैं, और कच्चा अचार आम का इसको भी हम काफी लेकिन जब जो दूर से जो पनीर बनाया जाता है उसको हम जो है वो 1 या 2 दिन से ही रख सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों को जो है वो 2 से 3 से 4 से 5 से ज्यादा दिन रख सकते हैं, जबकि दूध प्रिजर्वेशन ये जोड़ा जो है वो आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सेकेंड। नेक्स्ट है, यहाँ पे घरों की विशेषताएं दी गई है, विशेषताओं पर विचार किया गया है कि नीची मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छतें और पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूनों से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, तो लेह लद्दाख की जो वो विशेषता कौन सी हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, लेह और लद्दाख की जो विशेषताएं होती है वहां पर जो है वो कोई खिड़की नहीं होती, ये ऑप्शन आपका ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे विशेषता पाई जाती है, तो दूसरा आपका जो वो होगा कि छतें सपाट तथा लकड़ी की बनी होती हैं, सपाट होती है, और ये जो वो ढालू वाली नहीं। नेक्स्ट है,
इनकी जो दीवारें हैं वो पत्थर, गारा और मोटी चूने से बनाई जाती है, और फर्श भी लकड़ी के बने होते हैं। फर्श है जो वो आपके जो वो लकड़ी के बने होते हैं। तो बी और सी जो ऑप्शन हो गया फ्रेंड, वो आपका जो है वो इसके जो है वो विशेषता नहीं है, इनको हम कट कर देंगे। लेकिन जो आपकी ए डी और ई होती है वो आपका राइट आंसर है, तो सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौआ, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की जो चीज़ें, यहाँ पे यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार, और आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो किस पक्षी के जो है वो घोंसले में लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार है ये पाए जाते हैं, तो वह कौन सा पक्षी है। और ये एक चालाक पक्षी भी है, ये अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ जो है वो इसके भी अंडे भी जो है वो सेता, तो ये आपकी कोयल, और सबसे ऊंचा जो है वो घोंसला इसी का होता है, तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। गेहूं भी आपका बीज है, काली मिर्च भी बीज है, और जो सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना में कोई जो है वो यहाँ पे बीज नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वह ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं और उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से जो भिन्न है। केरल में कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे उसको, नारियल के। फिर है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई और सामग्री में से उन्हें पहचाने की किनके भीतर जो बीज है। तो ये क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, जो आपके आस पड़ोस में या जो आपकी फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आप उनसे भी जो पूछ सकते हैं। एक तरह से आपकी तो जो है वो लर्निंग स्ट्रोंग होएगी, लेकिन उस चीज़ के बारे में वो डे टू डे लाइफ से जो वो जुड़े रहेंगे। तो बीज कौन से में नहीं है, जिसके भीतर बीज होते हैं। देखो टमाटर में भी होते हैं, नाशपाती में भी, चीकू में भी, भिंडी में भी, करेला में भी, खीरा में भी, लेकिन जो आपका यहाँ पे आलू है और प्याज है उसमें जो है वो यहाँ पे बीज नहीं होते, तो थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और दो साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वे वहाँ कौन सी। तो आंध्र प्रदेश में एक आपका पोचमपल्ली और कलमकारी है जहाँ पर वो साड़ियाँ जो वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। देखो अपने आसपास में जो है वो यहाँ पे कूलर वगैरह, गड्ढों में, नालों में जो है वो ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दे, क्योंकि जो मच्छर वहीं से जो वो आपका पनपता है और मलेरिया फैलाता है। तो आसपास की चीजों में जो है वो पानी जो है वो आप फ्रेंड इकट्ठा न करें, क्योंकि इससे मलेरिया के जो मच्छर पनपते हैं, कहीं पे भी पानी ना रोके, तो मलेरिया इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 76 तक अपने जो हो क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी अपने जो वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के अराउंड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।